इस वक्त बॉलीवुड के गलियारों में हलचल किसी फिल्म या किसी की पर्सनल लाइफ को लेकर के नहीं है, बल्कि महादेव ऐप स्कैम विवाद को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। इस केस में कई नामी सितारों का नाम सामने आया है, जिसमें मशहूर अभिनेत्री श्रद्धा कपूर का भी नाम शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी छत्तीसगढ़ के महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई सितारों पर शिकंजा कसा है। रणबीर कपूर, कपिल शर्मा के बाद अब श्रद्धा कपूर का बुलावा आया है। तू झूठी मैं मक्कार फेम श्रद्धा कपूर को महादेव ऑनलाइन गेम स्कैम के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस को आज यानी कि 6 अक्टूबर 2023 को रायपुर के ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं कपिल शर्मा समेत बाकी सितारों को अलग अलग तारीखों में ईडी ऑफिस पूछताछ के लिए तलब किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर को भी ईडी की तरफ से तलब किया गया था और 6 अक्टूबर को रायपुर बुलाया गया था, लेकिन एक्टर ने मेल के जरिए ईडी से 2 हफ्तों का वक्त मांगा है। मिडडे की रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर ने पर्सनल रीजंस की वजह से 2 हफ्तों की मोहलत मांगी है। जानकारी के मुताबिक महादेव गेमिंग ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऐप है जहाँ गैर कानूनी सट्टेबाजी होती है। इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड के सितारे इस वजह से फंसे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने इस ऐप का प्रचार प्रसार किया है और इससे मोटी कमाई की है। इस केस में कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर से पूछताछ की जाएगी। यही नहीं, कहा जा रहा है कि ऐप के मालिक की शादी में शामिल होने वाले सितारों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें टाइगर श्रॉफ, सनी लियोन, नेहा कक्कड़, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, भारती सिंह, भाग्यश्री, कृति खरबंदा, नुसरत भरूचा जैसे सितारों का नाम शामिल है।